हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आईपीएल के काफ़ी अच्छे मैचेस चल रहे हैं, बैक टू बैक हमें बहुत अच्छे मैचेस देखने को मिल रहे हैं। जैसा हमने कल ही एक मैच देखा, लखनऊ की टीम आरसीबी के घर में जाकर जो हराती है, उससे पहले आपको याद होगा केकेआर ने भी हराया था। तो मैचेस काफ़ी अच्छे से देखने को मिल रहे हैं। उससे पहले एक मैच में और आपने देखा होगा, दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रनों से हराया। तो मैचेस काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह आज का जो मैच है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेज कोलकाता नाइट राइडर्स, मतलब डीसी वर्सेस केकेआर के बीच होने वाला है। आपको जैसा हमने बताया है कि केकेआर की जो टीम रही है वो आरसीबी के घर यानी बेंगलोर में जाकर के उनको 7 विकेट से हराया था। शानदार परफॉर्मेंस रही है केकेआर की तरफ से। वहीं अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उन्होंने इस पूरे आईपीएल की सबसे अच्छी टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स को इसी मैदान पर हराया जहाँ पे आज मैच होना है। तो दोनों ही टीमें जो है वो जीत से लबरेज है और काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और मजा आने वाला है इस मैच में। तो चलिए, बहुत ज्यादा आपका समय न व्यर्थ करते हुए हम इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ स्टैट्स देख लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। मैच डिटेल है, 3 तारीख का है, एसीए वीडीसी स्टेडियम विशाखापट्टनम में होने वाला है। 7:30 बजे से मैच चालू होगा। स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा में आप इसको देख सकते हैं। हेड टू हेड कंपेरिजन की बात करें तो थोड़ा सा केकेआर का जो पलड़ा है थोड़ा सा भारी नजर आता है। 32 मैच इन दोनों के बीच में खेले गए हैं, जिसमें से 15 मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं। वहीं केकेआर के खाते में 16 मैच गए हैं और एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला है। थोड़ा सा आप 19-20 का फर्क यहाँ पे हेड टू हेड कंपैरिजन में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्टैट्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट स्टैट्स में अगर आप देखें तो पंत को आईपीएल में 3000 रन पूरे करने के लिए 65 रनों की जरूरत है। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो इस लीग के 22वें खिलाड़ी होंगे जिन्होंने 3000 रन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, कुलदीप अपनी पूर्व फ्रेंचाइजी केकेआर के खिलाफ हर 6 गेंद पर 1 विकेट लेते हैं। अब तक 3 मैचों में उन्होंने 14 रन देकर के 4 विकेट सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के आंकड़े के साथ 10 विकेट लिए हैं। तो उनका भी आंकड़ा जो रहा है काफी अच्छा रहा है कुलदीप का, उनसे थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है केकेआर को। वार्नर ने 11 IPL पारियों में 123 गेंदों में 195 रन बनाकर सुनील नारायण को आउट किया है। सुनील नारायण ने आउट किया है उनको, केवल 2 बार उनसे हारे हैं। तो थोड़ा सा लिखने मिस्टेक हो गया यहाँ पे, भारी मिस्टेक हो गया सर। तो सुनील नारायण के खिलाफ थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है डेविड वार्नर को, इतना इजी नहीं होने वाला है उनके लिए। पंत ने आईपीएल में आंद्रे सर के खिलाफ 195 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, लेकिन 6 पारियों में तेज गेंदबाज का वो शिकार भी बने हैं। तो पंत को थोड़ा सा ये चीज भी नजर आए, देखने लायक चीज होगी। हालांकि पंत का पिछले मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, और दिल्ली की टीम चाहेगी भी अपने कप्तान से कि और अच्छे इनिंग उनकी तरफ से देखने को मिले यहाँ पे। ये हमारे सामने दिल्ली का फुल स्क्वाड है, आप देख सकते हैं पॉज करके। हम चलिए बात कर लेते हैं कि क्या प्रोबेबल हो सकती है आज के मैच के लिए। पृथ्वी शॉ, जैसा आपको याद होगा पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, और जिस तरह से वो मतलब घायल शेर की तरह वो निकल के रहते हैं, काफी दिनों से उनको मैच नहीं मिला और आते ही वो टूट पड़े थे। अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला उनकी तरफ से, तो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी शॉ के साथ जाएगी टीम। इसके अलावा डेविड वार्नर है, ऋषभ पंत कप्तान और विकेट कीपर है, मिचेल मार्श है, ट्रिस्टन सप और जेक फ्रेजर मैकग्रग को, इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। अक्षर पटेल हैं, अभिषेक पुरेल हैं, एनरिक नोकिया और जाय रिचर्डसन, इन दोनों के बीच में किसी एक को मौका मिल सकता है। एनरिक नोकिया काफी रन लुटाते हुए अभी तक इस आईपीएल में नजर आ चुके हैं, देखते हैं कि किसके साथ जाएगी टीम। मुकेश कुमार है, ईशांत शर्मा और खलील अहमद। इफ कैपिटल बॉल फर्स्ट डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस देयर इज अ चांस सलाम और ललित यादव गेट इनटू द फर्स्ट 11 विद शॉ कमिंग लेटर, वाइस वर्सा इफ दे बैट फर्स्ट। अगर बल्लेबाजी करेंगे तो शॉ आएंगे, और अगर गेंदबाजी करेंगे तो सलाम या ललित यादव में से किसी को एक मौका मिल सकता है 11 में। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं कोलकाता का फुल स्क्वाड आपके सामने है, आप देख सकते हैं पॉज करके, और हम चलिए बात करते हैं प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है। कोलकाता के प्रोबेबल 11 की बात करें तो फिल सॉल्ट विकेट कीपर है, सुनील नारायण है, वेंकटेश अय्यर रहेंगे, श्रेयस अय्यर कप्तान है, अंकरिश रघुवंशी हैं, रिंकू सिंह हैं, आंद्रे रसल हैं, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, अनुकूल रॉय और हर्षित राणा। मिचेल स्टार्क का जिस तरह से जितने पैसे देकर के उनको खरीदा गया था उस हिसाब से भी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि केकेआर परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, लेकिन फिलहाल मिचेल स्टार्क जिस पैसे पे उनको खरीदा गया है वो मनी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। अब देखते हैं आगे कैसा परफॉर्मेंस होता है। विथ रघुवंशी द इम्पैक्ट प्लेयर वंस मोर स्वैपिंग प्लेसेस विथ श्रेयस और चक्रवर्ती। ठीक है, अंकरिश रघुवंशी जो है वो श्रेयस शर्मा या वरुण चक्रवर्ती के साथ इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रिप्लेस कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि पहली बैटिंग होती है या पहली गेंदबाजी होती है। आगे हम प्लेयर्स टू वॉच में देख सकते हैं।
इसमें अगर आप देखें तो पहले दो मैच में नजरअंदाज किए जाने के बाद पृथ्वी शॉ एक भड़के हुए बैल की तरह गेट से बाहर आया, जैसा हमने शुरुआत में कहा था, एकदम तहस नहस करने को। हाल के दिनों में शॉ को मैदान के अंदर और बाहर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन रविवार को जब आईपीएल में 2024 में पहली हिट के लिए मैदान पर उतरे तो शानदार लय में दिखे। उन्होंने 27 गेंदों में 43 रन बनाए। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की कैपिटल की उम्मीदों के लिए महत्वपूर्ण जो फॉर्म है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने उन्होंने जिस तरह शुरुआत की उससे वे काफी खुश होंगे और बिल्कुल, और डेली कैपिटल जो है वो भी खुश होगी जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले मैच में चेन्नई के खिलाफ, तो उम्मीद करेंगे कि उनसे एक अच्छा परफॉर्मेंस भी इस मैच में देखने को मिले। टॉप ऑर्डर में एक अच्छी शुरुआत की एक्सपेक्टेशन जरूर रहेगी। जब भी मिचेल स्टार्क गेंदबाजी के लिए आते हैं तो उनके साथ 24.75 करोड़ रुपए की कीमत जुड़ी हुई है। जैसे हमने कहा है कि अभी तक वो अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं अभी आईपीएल में, अब आगे देखते हैं। 2015 में पहली बार आईपीएल में खेलते हुए स्टार्क बड़े पैमाने पर रन बनाए हैं। उन्होंने एसआरएस के खिलाफ अपने शुरुआती गेम में 53 रन दिए हैं और आरसीबी के खिलाफ भी 27 रन दिए हैं, अभी विकेट के कॉलम में शामिल नहीं हुए हैं। अब अगली बार अब देखते हैं कि अब इस मैच में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। उम्मीद तो यही करेगी टीम की अब वो खाता खोलें और विकेट का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करें, अपने प्राइस जो टैग लगा हुआ है उसको जस्टिफाई करें तो अच्छा रहेगा। पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। वाइजाग में पहला गेम में पिच पर अच्छी घास थी, इसने लगभग पूरे 40 ओवर में स्विंग और सीम मूवमेंट में सहायता की और रोशनी के नीचे मतलब अंडरराइट्स अधिक गेयर स्विंग हुई। डीसी बनाम केकेआर मैच के लिए भी ऐसी ही स्थिति की उम्मीद की जा सकती है और वाइजाग में अत्यधिक गर्मी और उमस की भी चेतावनी है, इसलिए इन दोनों ही टीमों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी प्लेइंग 11 के कंडीशन के हिसाब से, वो सब चीजें वहां पे थोड़ा सा मैनेज करने वाली बात है। ग्राउंड स्टैट्स की बात कर लेते हैं। आईपीएल 2024 के सारे स्टैट्स हैं, अभी तक एक मैच हुआ है और पहली बैटिंग करने वाली टीम जीती है, ठीक है। पहली मैच 191 रन बनाए थे दिल्ली कैपिटल्स ने और 171 ही बना पाई थी चेन्नई सुपर किंग्स, तो वही हाईएस्ट टोटल लोएस्ट टोटल दोनों आपके सामने, एक ही मैच हुआ है और आप कल मतलब आज ये दूसरा मैच यहाँ पे होगा। चलिए हम लास्ट में देख लेते हैं क्या फैंटेसी टीम, अगर आप टीम बनाते हैं फैंटेसी तो ये हमारी टीम है, अगर आप भी हमारी टीम से मुतासिर होते हैं तो आप भी अपनी ये टीम बना सकते हैं। विकेट कीपर्स में मैंने फिल सॉल्ट और ऋषभ पंत को रखा है, बैटर्स में मैंने डेविड वार्नर और श्रेयस अय्यर को जगह दी है, ऑलराउंडर्स में सुनील नारायण, आंद्रे असल और अक्षर पटेल को मैंने जगह दी है। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो मुकेश कुमार, खलील अहमद, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा को मैंने बॉलर्स में रखा है। कप्तानी मैंने डेविड वार्नर को रखी है और दी है, और उप कप्तानी जो है वो मैंने ऋषभ पंत को दी है। तो ये मेरी फैंटेसी टीम है, आप अपनी फैंटेसी टीम जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और बाकी आपके जो भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बात अगर प्रेडिक्शन की रही कि आज का मैच कौन जीत सकता है तो मुझे लगता है कि केकेआर का थोड़ा बड़ा भाई नजर आता हुआ दिखता है, गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी अच्छे हैं, बल्लेबाजी आपने देखी है किस तरह की रही है, अभी तक परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, तो थोड़ा सा बैलेंस साइज में नजर आ रहा है और जिस तरह का विकेट खेल रहा है यहाँ पे विशाखापट्टनम में, तो उससे कहा जा सकता है कि थोड़ा सा मैं होपफुल हूँ केकेआर के अच्छे परफॉर्मेंस को लेकर के। मुझे ऐसा लगता है कि शायद केकेआर मैच जीतेगी, बाकी हालांकि मैच के बाद हमें पता तो चल ही जाएगा। और इस मैच के बाद हम लाइव सेशन में जुड़ेंगे, जो भी परिणाम रहेगा हम पूरा मैच एनालिसिस लेकर के आएंगे, तब आप वहां पे हमसे हमारे साथ जुड़िएगा। आपके मन में भी कोई सवाल होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं वहां पे बिना बेझिझक, जो भी अच्छे सवाल रहेंगे उनको पिक करके हम आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। हम फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।